दोस्तों, हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में जो एक खौफनाक बीमारी जिससे हम सब खौफजदा हैं, जिससे हम उसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, जिसका घर में नाम लेना भी एक नामुराद माना जाता है, वो है कैंसर। मैं जब भी कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए अपने पेशेंट्स को गाइड करता हूँ तो चार उनको फार्मूले प्रिंसिपल्स बताता हूँ। हम कभी नहीं ये कहते कि आप फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज कैंसर में हैं और आपको इमीडिएटली हमारी मेडिसिन से रिजल्ट्स मिलेगा। नो, एक डॉक्टर, एक फिजिशियन वो होता है जो फेक कमिटमेंट्स ना करे और जो रियलिटी है वो बताए। लेकिन आज मैं जिस चीज़ की चर्चा करने जा रहा हूँ वो ये है, हमारी जो कैंसर हीलर किट है वो आपके ऊपर इफेक्ट कैसे करती है, उसके ऐसे कौन से चार मोड्स हैं जिनके जरिए हम पेशेंट को सरवाइव कर सकते हैं। मैं इस समय यहाँ किसी पैथी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी पैथी की हिमायत भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि अगर आप कैंसर के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो जो मेडिसिन्स हमारी टीम प्रस्क्राइब करती है उसके चार मोड्स होते हैं। नंबर 1, हम जितने भी सेल की मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है सबसे पहले उसको स्टॉप करना होता है विद द हेल्प ऑफ अवर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। ये बहुत ज़रूरी काम होता है। अगर हम उसको स्टॉप करने में कामयाब हो जाते हैं तो जहाँ जिस जगह पर प्रॉब्लम खड़ी हुई है वहाँ पर जाके रुकती है। नंबर 2, उसके साथ साथ हमने उन जो ऑलरेडी हमारे पास अनवांटेड सेल बॉडी में आ चुके हैं, जो कैंसर सेल आ चुके हैं, उनका रिमूवल का काम भी करना है, वो हमारी सेकंड हर्बल कॉम्बिनेशन ने करना है। थर्ड पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कैंसर के केस में जो सबसे डर वाली बात होती है कि ये हमारी बाकी बॉडी में कितनी जल्दी स्प्रेड करता है, उस स्प्रेडिंग को रोकना एक हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है। उसके लिए भी हमारी एक थर्ड मेडिसिन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नंबर 4, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम और भी है, आप अगर इम्यूनिटी को साथ में नहीं पकड़ते तो हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए अपने आप में पूरे तरह से प्रभावी नहीं हो पाएंगे। हमने आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है ताकि कैंसर के अनवांटेड सेल्स के अगेंस्ट हम लड़ सकें। एक चीज़ और जो लगभग सारे पेशेंट पूछते हैं कि अगर हम कीमोथेरेपी करा रहे हैं या रेडियोथेरेपी करा रहे हैं तो क्या हम आपकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के साथ हमारी मेडिसिन लेने में कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट पॉइंट, हमारी मेडिसिन वैसे भी 100% जो हैं वो सेफ होती हैं, 0% साइड इफेक्ट होता है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो कैंसर की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार तो हमें इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं, कई बार इसमें समय लगता है शरीर के अनुकूल इसका रिजल्ट्स आते हुए। तो आपने इससे घबराना नहीं है, युक्ति लगानी है, धैर्य रखना है, सब्र रखना है, धीरज रखना है, ताकि आप धीरे धीरे इन आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के कम्बिनेशन को अपने साथ एडजस्ट कर सकें, अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकें, इनकी स्प्रेडिंग को रोक सकें, अनवांटेड सेल की मल्टीप्लिकेशन को रोक सकें और जितने हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो घबराइए नहीं, जुड़ें आयुर्वेद योगाश्रम के इस मंच के साथ, इस YouTube चैनल के साथ, और कोई भी आप इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आयुर्वेद योगाश्रम YouTube चैनल। धन्यवाद डॉक्टर नवीन आर्य।